आई के धोनी और इंडियन क्रिकेट टीम के धोनी में क्या फ़र्क है आई थिंक आई पी एल में ही इज़ मोर रिलैक्सड इन इंडियन टीम वैन रिप्रेजेंट थोड़ा वैसे क्योंकि कंट्री आई पी एल में ही ओन्स दैट फ्रेंचाइजी ही इज लाइक वेरी एस्ट्यूट लीडर वेरी डिसिप्लिन एनी इन्जॉय एज ए केट जैसे आप खेलते हो ये अपनी घर है यार यहाँ तो कुछ भी कर सकते हैं रन भी बनाएंगे ये भी होगा इन्हीं टीम में पूरे देश की एक्सपेक्टेशन है उन चौदह खिलाड़ियों की एक्सपेक्टेशन है हर चौदह खिलाड़ी सुपरस्टार है वहाँ पर जब जाते हैं तो उनकी चीज़ें ओनर बहुत अच्छे हैं सी के वो वो हिस्सबिन अमेजिंग इतने साल वो सिस्टम में रहे हैं और धोनी अभी भी खेल रहे हैं हाँ सीनमासन सर हैं काशी सर हैं दूसरी तो फ्रेंचाइजी देखो भी कितने, अभी कितने ऋतुराज हिजबिन ए गुड लीडर अभी तक इतना अच्छा कर रहे हो तो धोनी भाई जैसा ही उसका लाइफ है बट आई एम श्योर कि उसको अभी थोड़ा रन बनाना पड़ेगा तीन चार मैच हो गए हैं अभी तो थोड़ा जैसा आपने बीच में सचिन पाजी वाला बोला था ना कि कप्तानी आती है प्रेशर आने लगता है वो क्योंकि मैं भी इंडिया का कप्तान था जब मैं भी आई थिंक ग्यारह बारह मैच के तो मुझे भी लग रहा था यार रन तो बनाने पड़ेंगे क्यों अब इतना मशरूफ़ हो जाते हो चीज़ों में क्या आप कहते तो मुझे तो बैटिंग भी तो करनी है मैं उसका सोचूंगा या बॉलर का सोच रहा हूँ जब बैटिंग करने जाते हो फिर आप रन बनाना बहुत जरूरी है तो ऋतुराज अभी कप्तानी हो रही है लेकिन वो जो अभी थोड़ा रुक गया हाथ उसका जो खुलता था पहले एकदम एलिगेंसी हो तो कभी, कभी बिल्कुल प्रेशर बहुत है इतनी सारी दो टीमें और एक्स्ट्रा ऐड हो गई ऋषभ को देखो एकदम बिंदास खेल रहे हो पहले मैच में अच्छा टाइम लिया उसने क्योंकि उस जब मिले थे पूरा जीवनदान मिला दूसरी लाइफ मिली ऊपर वाले की दुआ से उसको बैटिंग भी अच्छी कर रहे हो